हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साटन सिल्क की साड़ी। साटन सिल्क का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये सिंपल सोबर तो होती हैं, साथ में साइनेबल भी होती हैं, हल्की सी शाइनेबल होती हैं। और एक बात बताऊं, साटन सिल्क की साड़ी पहनने के बाद जो लुक आता है आपका, एकदम ऑसम लुक आता है। तो इस तरीके की जो साटन सिल्क की साड़ी है ना, काफी लोगों को पहनने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको साटन सिल्क की साड़ी वेयर करना है। एंड साथ ही साथ आपको अगर ये ब्लाउज अच्छा लगे ना, तो एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये जो ब्लाउज डिजाइन है मैंने खुद स्टिच किया है और खुद डिजाइन किया है। तो आपको अगर थोड़ा भी मेरा ब्लाउज अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। एंड साटन सिल्क की साड़ी भी अच्छी लगे तो जरूर मुझे बताना। और ये जो साटन सिल्क की साड़ी है ना, मैंने अमेजोन से लिया है, और एक इंस्टाग्राम पेज भी आपके साथ शेयर करूंगी, उस पर भी आपको इस तरीके की जो साटन सिल्क की साड़ी है वो भी मिल जाएगी। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि साटन सिल्क की साड़ी भी ना कई क्वालिटी में आती है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की साटन सिल्क की साड़ी नहीं ली ना, तो वो खराब बहुत जल्दी होती है। आप एक से दो बार पहनोगे फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि साटन सिल्क की साड़ी के साथ ना अपना आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अपने लिए वेयर करें तो काफी अच्छा लुक आएगा। और एक बार अगर आप पहन लेते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ फिटिंग के साथ बताती हूँ साटन सिल्क की साड़ी को पहनने के लिए, अगर साटन सिल्क की साड़ी मैं आपको फिटिंग के साथ बताती हूँ पहनना, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप पहन लेते हो तो मुझे जरूर बताना कि किस तरीके की आपने साड़ी पहनी और आपकी फिटिंग कैसी आई। और अगर आप मुझे फोटो भेजना चाहते हो, इमेज अपनी भेजना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली आप अपनी पिक सेंड कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @glowtouch, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी जरूर रिप्लाई जरूर करूंगी, आपकी पिक्स को जरूर देखूंगी और कमेंट जरूर करूंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना देर क्यों करना, चलो देख लेते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी साड़ी का जो कलर है मजेंटा कलर है, साटन सिल्क साड़ी है, और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, एंड इस तरीके की शाइनेबल साड़ी है, और इसको ड्रैप करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। बट आपको थोड़ी सी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है ना अब फॉलो करने होंगे। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है, एंड इसके बाद से आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में पल्लू का जो स्टाइल है कितना अच्छा लग रहा था ना, तो इसी तरीके से हम पहले पल्लू को सेट कर लेते हैं, पल्लू को हम बना लेते हैं। तो पल्लू को बनाने के लिए इस तरीके से आपको रफली प्लीट्स बना लेनी है, इक्वल गैदर नहीं करनी है, कुछ इस तरीके से आपको प्लीट्स इसलिए बनानी है ताकि आप जो जब आप कड़े यूज़ करो, पल्लू स्टाइल करो इसमें, तो वो जो पल्लू है आपका बराबर हो, इसीलिए तो यहाँ इसलिए रफली प्लीट्स बना लेनी है और अपने शोल्डर पर ले लेना है। हमेशा आपको बोलती हूँ जो पल्लू की लेंथ है काफ़ी थोड़ी ज़्यादा लें तो उसे लुक काफ़ी अच्छा आता है, जिनकी हाइट कम है उनको भी पल्लू थोड़ा ज़्यादा ही लेना चाहिए। और इस तरीके से जहाँ पर मेरा शोल्डर पर पार्ट आने वाला है पल्लू का, हम वहीं से इस तरीके से प्लीट्स बना लेते हैं, और छोटी प्लीट्स बनानी है, यानी पल्लू की जो प्लीट्स की चौड़ाई थोड़ा कम ही रखनी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक इसी तरीके से, और बनाते हुए आप वहाँ पर एक पिन भी लगा सकते हैं। और पिन लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आप सिंपल सिल्वर कड़े अपने यूज़ कर सकते हो, गोल्डन कड़े यूज़ कर सकते हो, जो आपकी साड़ी को ख़राब ना करें। इस तरीके से दूसरा कड़ा हमें लेना है और उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से उसके अंदर से साड़ी हमें निकाल लेनी है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ साड़ी, एक तरफ कड़ा ऊपर आ गया है, और कड़ा का दूसरा पार्ट ऊपर लाने के लिए आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं दो कड़ों में गैप है ना, अंदर से हम ऊपर से साड़ी को फिर कड़े के अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए आप इस तरीके से कड़े को निकाल लो ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ भी शो करेगा और अंदर की तरफ भी सिंगल कड़ा शो करेगा, और अंदर की तरफ भी सिंगल कड़ा शो करेगा, और
आपके ऊपर की तरफ भी सिंगल कड़ा शो करेगा। तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है और स्टाइलिश लुक भी देता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी स्टाइलिश लुक आ रहा था, सिंपल सोबर साड़ी है तो। और यहाँ पर साइड की फिटिंग के लिए आप साइड से साड़ी को लेकर के आएँ और नी तक आपको साड़ी लेनी है, वहाँ से छोड़ने के बाद आप इस तरीके से सेंटर प्लीट्स बनानी स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर प्लीट्स बनाते हुए सारी प्लीट्स आपको गैदर कर लेनी है और गैदर करने के बाद इस तरीके से वन बाय वन प्लीट्स को आपको ले लेना है। और यहाँ पर एक आपको ट्रिक्स, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेवल है ना, नेवल के पास आपको साड़ी, आप लेंथ अपनी देख लें, जितनी साड़ी आपको अंदर पेटीकोट के अंदर करनी है ना, सेम वहीं से आपको सारी प्लीट्स को गैदर करना है। यहाँ पर सारी प्लीट्स को इक्वल करते हुए और साड़ी को इस तरीके से झड़क लें और फ्लोर से टच होते हुए साड़ी आपको हमेशा पहननी है और इस तरीके से आप पेटीकोट में इन कर लें। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं ये मेरा ये मानना है कि आपको भी मैं इस तरीके के ट्रिक्स बताऊँ ना जिससे आपको साड़ी पहनने में काफ़ी इजी हो जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइड की फिटिंग के लिए मैंने हाथ उसमें से डाल लिया है, बट अभी हाथ नहीं डालना है, अभी हम साइड से जो पीछे से साड़ी को अच्छे से लेकर के आते हैं, जो भी एक्स्ट्रा साड़ी हमने छोड़ी थी, और फिर से साइड से हाथ साड़ी के अंदर डालते हुए दूसरी साइड से इस तरीके से हमारा हाथ निकल आता है प्लीट्स के अंदर से, और आप जो हमने साड़ी छोड़ी थी फिटिंग के लिए उस साड़ी को हमें दूसरी तरफ लेके आना है इस तरीके से, और साइड की फिटिंग को भी हमें देखना है और साड़ी की प्लेन करनी है और ट्विस्ट करते हुए हम पेटीकोट में इस तरीके से डाल लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें आपको कोई पिन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट पिन आप अपनी साड़ी की फिटिंग ला सकते हो। साटन सिल्क साड़ी में क्या होता है ना, पिन थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है साड़ी, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम ही पिन यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप साड़ी पहन लें, और चाहें तो आप सेंटर प्लीट्स पर वहाँ पर ब्रॉच लगा सकते हैं, आप वहाँ पर एक सेफ्टी पिन भी अंदर से लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड साड़ी पहनने के बाद पीछे से साड़ी को थोड़ा आप नीचे की तरफ कर लें, फिटिंग अच्छी आती है। एंड यहाँ पर पल्लू पर मैंने पिन लगा लिया है, ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया है, जिससे हमारा पल्लू गिरेगा नहीं, और पल्लू तो हमारा पहले से ही बना हुआ था, तो आप साड़ी का लुक मेरा देख सकते हैं, साइड की फिटिंग देख सकते हैं कैसा लगा मेरा लुक, एंड जो मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन किया है और मैं खुद ही स्टिच करती हूँ अपने ब्लाउज, और इस तरीके से मेरा फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।